पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर एक भय का माहौल है और ये चाइना में इसमें 3,200 के ऊपर डेथ हो चुकी है। इसका एपिसेंटर अभी शिफ्ट होकर यूरोप में गया है। इटली में, सिर्फ इटली में 4,000 के ऊपर यहाँ पर डेथ हो चुकी है इस वायरस की वजह से। इसका फैलाव यूएस में भी हो चुका है, वहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं और इंडिया में भी आज का नंबर है 320 के ऊपर यहाँ पर केसेस हो चुकी है। इटली और ईरान का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो इटली में फर्स्ट वीक में 3 केसेस थे, वही ईरान में 2 थे। सेकेंड वीक में 152, 43। थर्ड वीक में केसेस इटली में 1,000 के ऊपर चली गई है और ईरान में वही 250 के ऊपर है। ये कंडीशन इंडिया में आज है। नेक्स्ट वीक, फोर्थ वीक, जो कि डिसाइडिंग होता है वायरस बढ़ेगा या कम होगा ये डिसाइड करने के लिए, जो कि इटली में केसेस फोर्थ वीक में 6,000 के ऊपर चली गई और वही केसेस ईरान में 4,700 के ऊपर चली गई। फिफ्थ वीक में तो कंडीशन मतलब अनकंट्रोल हो चुकी थी, इटली में वही केसेस 21,000 के ऊपर थी और ईरान में 12,000 से ऊपर केसेस बढ़ गई। तो इंडिया में अभी 320 केसेस है। अगर इसे स्टॉप करना चाहिए तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी कई सारे प्रयास करने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने लोगों को घर में ही बैठने के लिए अपील किया है। इसके लिए आज जो है जनता कर्फ्यू का 7 से 9 बजे तक हमें घर में रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन से। अब ये रहा गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना चाहिए, पर साइंटिफिक कम्युनिटी इसे किस तरीके से देख रही है, साइंटिफिक कम्युनिटी इसके ऊपर वैक्सीन कैसे डेवलप कर रही है आज हम जानेंगे। पहला फेज जो है क्लिनिकल ट्रायल्स का वो शुरू हो चुका है। यूएस में लगभग 45 पीपल है 18 से 55 एज ग्रुप के, उनके ऊपर यहाँ पर ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। चाइना ने जो जीनोम सीक्वेंस दिया था कोरोना वायरस का, उसका यूज़ करके यहाँ पर वैक्सीन बनाया गया है। अब ये वैक्सीन जो है इसे नाम दिया गया mRNA, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड 1273, और ये वैक्सीन रिसर्च सेंटर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है मॉडर्ना कैम्ब्रिज के है। इन्होंने साथ मिलकर यहाँ पर ये वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि वैक्सीन होता क्या है और ये किस तरीके से बनता है। तो वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ताकि ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग या फिर सीरियस जो डिसीज़ है उससे बचा जा सके। ये आपके बॉडी को सिखाता है कि वायरस और बैक्टीरिया का अगर अटैक हो तो उसे सप्रेस करने के लिए किस तरीके से अटैक करना है या फिर किस तरीके से इम्यून सिस्टम डेवलप करनी है। अब ये वायरस बनाने का भी तरीका, वायरस का वैक्सीन बनाने का तरीका भी कुछ अजीब सा है। मतलब वायरस का ही कुछ पार्ट लेके उसे वैक्सीन बनाया जाता है। वेरी स्मॉल एंड वेरी सेफ अमाउंट ऑफ वायरस और बैक्टीरिया जो कि वीकेंड होते या फिर किल्ड होते उनका यूज़ करके यहाँ पर वैक्सीन बनाया जाता है। एक बार अगर ये वैक्सीन आपने ले लिया, अगर ये वैक्सीन काम करता है तो इन फ्यूचर अगर कभी भी आपके बॉडी के ऊपर उस वायरस का अटैक होता है तो आपकी इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और उस वायरस को सप्रेस कर देगी। तो 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, एक तो है लाइव वायरस वैक्सीन, दूसरा है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, फोर्थ है टॉक्साइड वैक्सीन और थर्ड है टॉक्साइड वैक्सीन और फोर्थ है बायोसिंथेटिक वैक्सीन। ये 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन है। तो पहला तो लाइव वायरस वैक्सीन, ये क्या करते हैं, दे यूज द वीकेंड एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द वायरस, वायरस का ही वीक फॉर्म यूज करके यहाँ पर वैक्सीन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, मीजल्स हुआ, मम्स हुआ या फिर रूबेला वैक्सीन जो है इस टाइप से बनाया गया है। नेक्स्ट है किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, चाइना में इस तरीके का वैक्सीन का डेवलपमेंट शुरू है। ये क्या करते हैं, दीज आर मेड फ्रॉम अ प्रोटीन और स्मॉल पीस टेकन फ्रॉम द वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया का प्रोटीन का ही स्मॉल पोर्शन लेके इस वायरस का वैक्सीन बनाया जाता है। इसका भी एग्जांपल है वूफिंग कफ, ये वैक्सीन इसके ऊपर बनाया गया है किल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इस तरीके से। नेक्स्ट है टॉक्साइड वैक्सीन, यहाँ पर टॉक्सिन और केमिकल मेड बाय द बैक्टीरिया और वायरस का यूज़ करके ये वैक्सीन बनाते हैं। ये क्या करते हैं, दे मेक यूर इम्यून टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन इंस्टेड ऑफ द इन्फेक्शन इट्सेल्फ। तो इन्फेक्शन होने के बाद जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसको सप्रेस करने का काम ये वैक्सीन करता है। इसका एग्जांपल भी है डिप्थेरिया या फिर टिटानस वैक्सीन, ये वैक्सीन इसका एग्जांपल है। लास्ट है बायोसिंथेटिक वैक्सीन, दे कंटेन द मैनमेड सब्सटेंसेस विच आर वेरी सिमिलर टू द पीस ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया के सिमिलर जो है यहाँ पर सब्सटेंस यूज करके यहाँ पर वैक्सीन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट है, अभी वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है
और वो उसका स्टेज कहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू WHO 40 डिफरेंट कैंडिडेट वैक्सीन का जो है अंडर डेवलपमेंट है। उसमें से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन चाइना का साइनोवैक जिसे कह रहे हैं डेवलपमेंट शुरू है। यहाँ पर उस वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड केमिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और US का एक कंपनी है कोडाजेनिक्स, इन्होंने लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन का यूज़ करके यहाँ पर लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन डेवलप करने का प्रोसेस शुरू है। अभी US में जैसे हमने पहले भी देखा कि एक न्यूज़ आई है कि ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुके हैं वैक्सीन के, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पर सवाल ये आएगा कि कब आएगा इंडिया में या फिर ये वैक्सीन कब अवेलेबल होंगे सब लोगों के लिए। तो ये एक प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत सारे टाइम लगेगा कि टेस्टिंग होगा, उसका अफेक्ट हो रहा है या फिर वैक्सीन काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखा जाएगा। बट फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल जो है US में शुरू हो चुका है, ये न्यूज़ तो सबने देखी होगी। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, मतलब वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बना, ये हमें जानना ज़रूरी है कि वुहान चाइना में जो है 7 जनवरी को जो उसका जीनोम सीक्वेंस उन्होंने डिकोड किया, तो वो उन्होंने सबके साथ शेयर किया 12 जनवरी को। 24 जनवरी को mRNA 1273 वैक्सीन जो है ह्यूमन टेस्टिंग के लिए भेजा गया और 16 मार्च को जो है फर्स्ट सेट ऑफ ह्यूमन जो 45 लोग थे उनको ये वैक्सीन दिया गया। अभी यहाँ पर रिकॉर्ड टाइम में इसके ऊपर काम हुआ है, जैसे यहाँ पर बताया गया फ्रॉम द सीक्वेंस टू प्रोडक्ट इन 44 डेज एंड स्टार्ट ऑफ टेस्टिंग इन 63 डेज। 63 डेज में उसका टेस्टिंग शुरू हुआ है। अब यहाँ पर बात यह है कि एनिमल ट्रायल नहीं हुआ, डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल है ताकि सब प्रोसेस फास्ट ट्रैक कर किया जा सके, जल्द से जल्द इसके ऊपर वैक्सीन, क्योंकि नीड ऑफ द आवर है, बहुत सारी डेथ हो रही है लोगों की, तो जल्द से जल्द वैक्सीन ढूंढने के लिए यहाँ पर फास्ट ट्रैक प्रोसेस से यहाँ पर काम किया गया है। तो अब हम जानेंगे व्हाट इज दिस mRNA वैक्सीन। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो है स्टोर किया जाता है DNA में। DNA क्या होता है, deoxyribonucleic acid, एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रोटीन बनाता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली एवरी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के फंक्शन के लिए जो भी ज़रूरी है प्रोटीन वो ये बनाता है। अब ये DNA कोड का कन्वर्जन करने के लिए प्रोटीन में वहाँ पर ज़रूरत होती है कि मॉलिक्यूल की, जिसे कहते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो हम इस तरीके से समझ सकें, DNA अगर हार्डवेयर है तो mRNA सॉफ्टवेयर का काम करता है, और वो जो प्रोटीन होता है वो उसका एप्लीकेशन होता है। अब ये mRNA करता क्या है, जब ये mRNA बॉडी के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, इट इंस्ट्रक्ट सेल टू प्रोड्यूस एंटीजन। जब ये इम्यून सिस्टम आपकी रिकग्नाइज करेगी उस एंटीजन को, तो वो सिग्नल भेजेगी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, सेलुलर रिस्पॉन्स जिसे कहेंगे, और जब ये रिस्पॉन्स होगा तो वो वायरस को सप्रेस करने की प्रोसेस शुरू होगी। इस तरीके से ये mRNA वैक्सीन काम करेगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि अब कितना टाइम लगेगा ये वैक्सीन पूरी तरीके से डेवलप होने में, लोगों में ट्रायल होने में, या फिर जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो एक तो इसका वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत ही फास्ट ट्रैक किया है, पर अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है कि लगभग 1 से 2 साल लगेंगे इसके पूरी क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट होने में, तब पता चलेगा। और ये भी नहीं है कि अगर ट्रायल्स हो भी गया तो सक्सेसफुल रेट उसका भी देखना पड़ेगा कि कितना है या नहीं है। पर US में जो है 45 लोग है, उसमें से ये जेनिफर हैलर है जिनके ऊपर फर्स्ट टेस्ट जो है इस वैक्सीन का हुआ है। ये रहा साइंटिफिक कम्युनिटी का प्रोग्रेस, पर इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ये पहले जानना होगा कि ये फैलता कैसे है। एक तो बाय एयर, कफ, स्नीज, या फिर अगर आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं और वो उस आदमी को उस वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो आपके पास आ सकता है, या फिर कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को अगर आप हाथ लगाते हैं, या फिर मास गैदरिंग होता है, ये सारे मीडियम है वायरस आपके तरफ आ सकता है। और इससे बचना कैसा है, आपको सबको अभी ये पता ही होगा, हाथ को साफ क्लीन रखना है, बार बार मतलब हाथ को धोना है, मास्क पहनना चाहिए, कॉन्टैक्ट आप ना करें सिक पीपल के साथ, और जब भी आप खांसेंगे या छींकेंगे तो आपको रुमाल का यूज़ करना चाहिए ताकि वो जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में ना जाए। तो ये सारी बातें हैं इंडिविजुअल लेवल पे आपको करनी चाहिए। साइंटिफिक कम्युनिटी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है,
ये वर्ल्ड हम एपिडेमिक है, इसे टैकल करना किसी गवर्नमेंट का या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी का ही जिम्मेदारी नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें इसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो बी सेफ, और इसके साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।